उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जनपद में बाढ़ के कहर से जहां लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, वहीं एक व्यक्ति की बाढ़ के पानी में डूबने से मौत हो गई। पूरा मामला गौलहौरा थाना क्षेत्र के रंबापुरा गांव का है। आपको बताते चलें कि रंबापुरा निवासी सुरेश बाढ़ से पीड़ित होकर अपनी पत्नी और बच्चों को खेसराहा थाना क्षेत्र के चन्नापुर गाँव में ससुराल छोड़ने गया था। ससुराल से वापस आते समय घर से करीब 200 मीटर पहले पैर फिसलने से बाढ़ के गहरे पानी में चले जाने के कारण मौके पर ही डूबकर मौत हो गई। यह मामला बीती रात का है, लेकिन जब सुबह ग्रामीण सबको पानी में तैरता हुआ देखे तो इसकी सूचना तत्काल गौलहौरा पुलिस और एसटीएम बांसी को दिए। मौके पर राजस्व टीम और गौलहौरा पुलिस ने पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। क्या नाम है आपका, मृतक से क्या संबंध हो, कैसे घटना हुई? ये हमारे भाई हैं, ससुराल गए थे, वहाँ बच्चों को छोड़ के आए थे, आ रहे थे, रात में ऐसा घटना हुआ। मृतक की उम्र लगभग क्या होगी और नाम क्या है मृतक का? सुरेश नाम है और उम्र 35 साल का है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम जालिम है। गांव कौन सा है? रमुआपुर। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।